हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नए सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एग्जाम के पहले आप किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करें, किस तरह से खुद का टेस्ट करें, किस तरह से आप ये देखें कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, और कम टाइम में ज़्यादा रिविजन, ठीक है ना। एक तीर से दो निशाने आपको किस तरह से मारने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और एग्जाम में किस तरह से फोड़ के आना है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि कुछ बच्चे इस बात पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें रिवाइज किस तरह से करना है, क्या हमें पूरा पूरे सिलेबस पे एक तरफ से बुक लेके या नोट्स लेके रिवाइज करते रहना, नोट्स को लिए पन्ना पलटते जा रहे रिवाइज करते जा रहे, क्या इस तरह से रिवाइज करना है, या हम खुद को किस तरह से एनालाइज करें कि हमें कितना आता है। तो इसके लिए क्या हम टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व करें, या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, क्या हम करें जिससे हम सेल्फ एनालाइजेशन कर सकें, हम खुद को परख सकें कि हमें कितना आता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, टाइम की तो कमी है ही, टाइम की कमी, कुछ टाइम बचा हुआ है, कुछ दिन बचे हुए हैं, या कोई एक दिन बचा हुआ है, सिर्फ एक रात बची हुई, जितना भी आपके पास टाइम है उसको किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो आपको रिविजन किस तरह से करना है, जल्दी जल्दी इस पर बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिविजन का एक स्मार्ट तरीका मेरे पास है इस तरह का, जिससे कि आप रिवाइज भी कर सकते हैं और साथ में एक तरह से बोलते हैं ना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मुझे कितना आता है, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होने वाले हैं और खुद का भी एनालाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, मान लो आपके पास जो भी आपका सिलेबस है, जो भी मैथ फिजिक्स जो भी आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो उस सिलेबस में मान लो आपको किसी पर्टिकुलर पेपर का, या मान लो आपके पास पर्टिकुलर किसी टॉपिक है, मान लो फिजिक्स की बात कर ले, तो फिजिक्स में मान लो आपके पास कुछ इस तरह से टॉपिक हो सकते हैं, मान लो आपके पास ऑप्टिक्स है, या आपके पास कुछ भी इस तरह से, या मान लो आपके पास कुछ भी इस तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स से, कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना, न्यूक्लियर है, ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक तरह से आपने एक ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है ना, ए फोर साइज पेपर लेना है, और उस पेपर पर जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लिख देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीचों बीच में, ठीक है ना। इस तरह से रिवाइज करोगे तो एक तरह से ना कि आपका टेस्ट भी होता जाएगा और आप खुद को एक बेहतर स्थिति में, एक मजबूत स्थिति में, एक अच्छी स्थिति में महसूस कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। मेन चीज़ जो होती है ना एग्जाम हॉल में, कॉन्फिडेंस की होती है एग्जाम हॉल में। मतलब मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जो कि होता क्या है कि मतलब ऐसा लगता है यार इससे आइडियल बच्चा तो हो ही नहीं सकता है, इससे अच्छा बच्चा तो हो ही नहीं सकता है, इसका सिलेक्शन अरे यार किस तरह से। और हो सकता है कि आप उससे बेहतर कर जाओ और वो बच्चा एग्जाम के प्रेशर में, या हो सकता है इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाती है कि वो एग्जाम में कुछ उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना सबसे ज़्यादा जरूरी, मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको एक ए फोर साइज पेपर देना है। अब जो भी आपको पेपर रिवाइज करना है, मान लो हमें न्यूक्लियर फिजिक्स रिवाइज करना है, तो यहाँ पे अपना बड़ा सा लिखा हुआ न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर के चारों तरफ आप जैसे मान लो ये न्यूक्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, तो न्यूक्लियर इस तरह से लिख लिया। अब जो न्यूक्लियर की छोटी छोटी शुरुआत से बातें आपको याद रखनी, मान लो मैंने देख लिया इस तरह कि हाँ न्यूक्लियर में भाई ठीक है रेडियस इस तरह से होती है, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3, इस तरह से आपने डिवाइस करना शुरू किया। फिर दूसरी बात हमें याद आती है कि अच्छा इसकी डेंसिटी किस तरह से वेरी करती है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ठीक है ना, इस तरह का इसका ग्राफ आता है, ये बात हमें याद आ गई। जो जो आपको याद आता जाए उसको लिखते चले जाओ, ठीक है ना, फटाफट भाई कितना टाइम लगेगा, जो जो आपको याद आ रहा है उसको लिखने में तो टाइम लगना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो आपको याद आ रहा है बस वही वही लिखना है, ठीक है ना। मान लो आपने इसमें लिख लिया कि क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, या कि क्या होती है, मतलब जो जो आपको, ठीक है, मान लो इस तरह से जो भी आपको याद आ रहा हो, ठीक है ना, मुझे नहीं पता आपको उस टाइम पे क्या याद आ रहा है, ठीक है ना, जो मुझे याद आता जाएगा वो मैं लिख दूँ, ठीक है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो जो आपको याद आया आपने लिख दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस तरह से कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, इस तरह से जो भी आपको याद आ रहा था आपने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना है, ये तो वो न्यूक्लियर का टॉपिक था जो आपको आ रहा था, अच्छे से तैयार था, इसमें कुछ भी आप भूलने वाले नहीं हो, एग्जामिनर कहीं से भी इसमें से सवाल पूछ दे आपसे गलत होने वाला नहीं है, ये वो टॉपिक थे, ठीक है ना। मुझे जो जो याद आता है, जो फॉर्मूला याद आया, जो ग्राफ याद आया, फटाक से बना दिया इस पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, न्यूक्लियर पूरा जो आपको याद था वो तो रिवाइज हो गया, अब करना क्या है, आपको नोट्स उठाना है, ठीक है ना। और एक तरफ से अब क्या करना, पलटना शुरू करना, वो चीज़ें ढूंढनी है, क्योंकि अब आपने चीज़ें लिखी हुई है तो आपको पता है मैंने क्या लिखा हुआ, क्या मिसिंग है। और जिसने भी नोट्स अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, या जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, उस चीज़ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जो जो आपने लिख दिया है वो भी आपको उसमें पता है, ये मैंने लिख दिया अच्छे से, और जो जो मिसिंग है उसकी भी एक आइडिया होता है आपको कि हाँ ये चीज़ मिसिंग हो रही है, ये मुझे याद नहीं आ रही इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप ले आए और यहाँ पर ला कर किस तरह से लिख दें। This is the best way to revise the whole concept and boosting the self-confidence. ठीक है ना, उन पर्टिकुलर चीज़ों को आपको इस तरह से लिख देना है, उन पर्टिकुलर चीज़ों को आपको लिख देना है, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूला या जो भी ग्राफ आपको उस टाइम पे, जो फर्स्ट टाइम पे आपको याद नहीं आया था, वो इस टाइम पे आपको लिख देना है,
इस तरह से आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जितने भी टॉपिक्स, आपके जितने भी पेपर्स हैं, उस सारे पेपर्स का आप इसी तरह से रिवाइजेशन कर सकते हैं, पूरा रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। बात क्लियर है तक? कुछ कुछ बात समझ आई? ये बात हो गई रिवाइज किस तरह से करते हैं। अब दूसरी चीज, यहाँ पे आप एग्जाम भी अगर या पेपर भी सॉल्व करते हो तो आप वहाँ पे खुद को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, एक आइडिया मानते हैं कि इस तरह से अच्छा हो जाता है, कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह से। और अभी तक आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो अब क्या एक ये होता है ना कि 10-15 मतलब होता ना 2-4 घंटे में तो सॉल्व नहीं हो जाने वाले, या एक दिन में तो सॉल्व कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपके पास एक दिन हो या दो दिन हो, जितना भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में आपको इस तरह से रिवाइज करना। एग्जाम पेपर सॉल्व करने का टाइम तो गया, ठीक है ना। अब यही चीज है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकती है, ठीक है, और यही चीज आपको फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बातें समझ आ रही है? अब ये बात हो गई कि रिवीजन किस तरह से करना है। अब लास्ट टाइम में और क्या क्या बातें हमें याद रखनी, उनको भी समझ लेते हैं। अगली चीज जो है, आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी सफर नहीं करना है। आपको बिल्कुल मतलब एक तरह से होता है ना, आपको दिक्कत होगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन एक तरह से होता है ना, आपको तारे जमीन पर के दर्शी शफादी बने होंगे, आपको बस क्वेश्चंस आपकी तरफ उड़ उड़ के आ रहे होंगे, ठीक है ना, आपको बस उनको टैगल करना होगा। अब वहां पे आपको जो भी सफर हो रहा है, आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज को, ये नहीं है कि यार मुझसे नहीं होगा, उस टाइम पे आपको क्विट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अज्यूम करने लग जाते हैं कि अगर उनसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो पूरे क्वेश्चन पेपर में पैनिक कर जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चे, मान लो आपके पास 100 प्रश्न आने वाले हैं या मान लो 50 प्रश्न आने वाले हैं, तो उस 50 प्रश्न में से मान लो आपसे एक प्रश्न नहीं भी हुआ है तो क्या ये गारंटी आपको मिल गई है कि बचे हुए 49 प्रश्न आपसे नहीं होने वाले? मान ले दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी तुझसे नहीं हुआ, मान ले तीसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो क्या ये गारंटी है कि बचे हुए 47 क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले? ये गारंटी कौन लिख के दे रहा है कि बचे हुए 47 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे? और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का क्राइटेरिया ये नहीं होता है कि आपको फुल में से फुल क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है, और जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं आपको उसमें से प्रैक्टिस करनी, मतलब प्रैक्टिस किया तो आपको सीधा अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब आपको सीधा उसमें से अटेम्प्ट करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। और दूसरी चीज, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का क्राइटेरिया तो यही होता है ना कि मान लो आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाइक जैम हो गया, ठीक है ना, जस्ट हो गया, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बस यही चीज होती है कि आपको 40-50% स्कोर करना होता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर 100 प्रश्न हैं तो उसमें से 50 प्रश्न आपको सही करने होते हैं, ठीक है ना, गलत वाले गलत नहीं करने ना, बाकी बचे हुए 50 प्रश्न अगर गलत कर दोगे तो इसमें से भी खा जाएंगे। हम मैं बिल्कुल सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ कि 50 नंबर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम तो क्लियर रखा है आपका। तो क्या आप अगर उन पद पर बचे हुए जो आपके 50 मान लो 100 प्रश्न थे, तो बचे हुए 50 प्रश्नों में से भी अगर आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने वही 50 प्रश्न आए थे, ठीक है ना, जो आपको नहीं आ रहे थे, तो क्या उन 50 प्रश्नों को देख करके क्या मैं ये गारंटी लगा सकता था कि बचे हुए 50 प्रश्न मुझसे नहीं होंगे? बात समझ आ रही है ना। तो आपको सेल्फ अज्यूम कुछ भी नहीं करना है कि यार मुझसे नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला है, ऐसे कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो लास्ट मोमेंट तक क्विट नहीं करना है और लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है, ठीक है ना। सफलता उसी को मिलती है जो लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल करता है। कभी भी ये नहीं होता है कि यार कि बस अच्छी अच्छी बातें करने से या सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ लेने से या अच्छी मोटिवेशन की वीडियोस देख लेने से सफलता मिलती है। सफलता उसी को मिलती है जो कि स्ट्रगल करता है, जो कि मेहनत करना जानता है, ठीक है ना। अब ये बात हो गई कि हमें एग्जाम हॉल में किस तरह से अपना जो सेल्फ बैलेंस है या बोल सकते हैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप करना है, किस तरह से सवालों पर अप्रोच करना है। ये बात बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है कि आपके अगर हो सकता है ना, कई बार ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम में अब जाएंगे तो उनका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, तो उनको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई गारंटी नहीं बेटा कि अगले 47 क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाले हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है, लगे रहना है, लास्ट तक जो सफर करेगा वही आगे चल के चैंपियन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? चैंपियन बनने वाला है। जहां पे भी आपके जाने का सपना है, चाहे वो आईआईटी जाने का सपना हो, कहां आईआईटी जाने का सपना हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मैं पर्टिकुलर किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं ना कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या नीट की प्रिपरेशन हो सकता है, कुछ बच्चे कर रहे हैं इसमें से, कुछ भी कई बच्चे हो सकते हैं, कुछ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं, या कुछ हो सकते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम, बीएससी हो गया, मतलब इन तरह से के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कई तरह के बच्चे हो सकते हैं। जहां पर भी आपको जाना है उन एग्जाम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मुझे उस एग्जाम को टैकल किस तरह से करना है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी, और ज़्यादा खास बातें अब आपसे बची नहीं हुई हैं।
रिवाइज किस तरह से करना है, अपने आप का कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्टअप करना है, एग्जाम को किस तरह से टैकल करना है। ये कुछ लास्ट मिनट की आपकी टिप्स थी कि आप एग्जाम के बिल्कुल पहले बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी और मेरे ख्याल से मैं अपनी बात आप तक पूरी तरह से पहुँचा पाया हूँ। अगर एक बच्चा भी इसमें से इस तरह का हो जिस पर मेरी बात का फर्क पड़ा हो तो मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है ना। जितने भी बच्चे इसको देखें, जितने भी इस पे लोग देखें जाके इसको, जितना भी लोग समझें इसको, लेकिन अगर एक या दो बच्चा भी इस चीज़ को समझ लेता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, कि मैं उस एक या दो बच्चे तक पहुंच पाया, ठीक है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और उस चीज़ को सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं, उस अच्छा बुरा जो भी आप लिखना चाहें जाके लिख सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। चलो अब मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।